हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं मिसिंग चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फिटनेस चैनल टीटी और फिटनेस पे। दोस्तों लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए एकदम नया वीडियो। तो दोस्तों आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है डंबल किक बैक। मैंने और आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि बिगनर्स जिमों में अक्सर किक बैक को गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसमें क्या होता है कि उनका शोल्डर इन्वॉल्व हो जाता है और कहीं ना कहीं आपकी बाइसेप भी टेंस हो जाती है और आखिर में बंदे बोलते हैं कि उनको ट्राइसेप पे कतई कोई भी स्ट्रेचिंग फील नहीं होती। तो आज हम जानेंगे इसका सही पोस्चर और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इसको परफॉर्म करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों नए बंदे हो चैनल पे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसकी मत करना। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कि सबसे पहले जो हम लोग गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं वो तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो बॉडी का पोस्चर होता है, आपने कई बार देखा होगा कि लोग बैठ जाते हैं बहुत ज़्यादा या ऊपर रहते हैं और जब डंबल को उठाते हैं तो आपने देखा होगा कि इसको बाहर लेके जाते हैं। ये तरीका एकदम गलत है। कई बार आप देखा होगा कि लोग ऐसे ऐसे करते हैं इस तरह से, तो आप उसमें अपना शोल्डर इन्वॉल्व करो तो ट्राइसेप पे कतई लोड नहीं आता है। आप इस बात का ध्यान रखिए, आपको जर्क नहीं करना है और प्रॉपर जो आपका वर्क होगा वो ट्राइसेप पे आएगा लॉन्ग हेड। तो आपको ये दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि जब आप वेट का सिलेक्शन करें तो लाइट वेट होना चाहिए। नंबर ऑफ रेपिटेशन रखेंगे हम 20 और नंबर ऑफ सेट करेंगे इसके 4। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका रियल तरीका क्या हो सकता है। तो मैंने एक अपने हिसाब से लाइट वेट का सिलेक्शन किया है, मैं से 20 रेप्स करूँगा। आप इसको देखो कि मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पैरों का डिस्टेंस होना चाहिए, आप देख पा रहे हो शोल्डर से थोड़ा सा अंदर और बी एंगल पे, ठीक है। हम कोर को टाइट करते हुए बेंड हो जाएंगे लाइक 45 डिग्री और जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा एल्बो। पोजिशन कुछ इस तरह से होती है, फिर इसको हम सीधा लिफ्ट करेंगे ऊपर लाइक दिस। 2 सेकंड स्क्वीज करेंगे डाउन, 2 सेकंड स्क्वीज डाउन। बस हमको ध्यान देना है कि जब हम स्क्वीज कर रहे होंगे तो हमारा हाथ आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे डंबल लेके आते हैं तो हमारा बाइसेप भी टेंस हो रहा होता है, ठीक है। तो चेस्ट लिफ्ट कोर टाइट एंड दिस जस्ट स्क्वीज एंड स्लो डाउन, स्क्वीज स्लो डाउन, स्क्वीज स्लो डाउन, स्क्वीज एंड स्लो डाउन। ये इसका बेस्ट तरीका है ट्राइसेप्स किकबैक लगाने का। ये वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए है जो जिमों में गलत परफॉर्म करते हैं और उनको लगता है कि उनके ट्राइसेप पे लोड नहीं आ रहा है। हकीकत बात भी है कि जब आप गलत तरीके लगाते हो तो कोई भी वर्कआउट हो आपको लोड नहीं आएगा, तो ये वर्कआउट जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों ये था आज का हमारा बिगिनर्स के लिए बेस्ट ट्राइसेप वर्कआउट। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर आप बड़े आर्म्स के शौकीन हो, आपको चाहते हो कि आपका बड़ा बिग मसल बने आर्म्स का, तो मैंने ऑलरेडी लिंक ऐड कर दिया है, आप उसको देखो, वो आपका आर्म्स डेवलप करने में आपका बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर कोई हमारे सजेशन हो तो आप प्लीज़ वो भी हमको कमेंट करके जो बताएं। आप मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं, बस हैशटैग लगाइए और टीटी और फिटनेस ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये अपना ख्याल रखिए और चैनल को यूँ ही प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।